नमस्कार, स्वागत है आपका डीएनएम में। मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। पितृपक्ष यानी अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा प्रकट करने का पर्व, समर्पण का और कृतज्ञता प्रकट करने का महापर्व। हर साल इन दिनों अपने पूर्वजों की तृप्ति के लिए पूरी श्रद्धा से अर्पण और तर्पण का विधान है और ये समय पितरों के पूजन, नमन और तर्पण के लिए शास्त्रों में भी सुनिश्चित है। इस पर्व को लेकर हमारे मन में भी कई तरह की दुविधाएं होती हैं। कैसे करें पितरों का तर्पण, कैसे मनाएं अपने रूठे पितरों को और कैसे पाएं उनका आशीर्वाद, यही सब जानने के लिए आज हमारी चर्चा का विषय है, कैसे करें पितरों को नमन। देख लेते हैं एक छोटी सी रिपोर्ट। जो श्रद्धा से किया जाए वही श्राद्ध है, जो पितरों की आत्मा को तृप्त करे वही श्राद्ध है। पितृपक्ष यानी अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा, समर्पण और कृतज्ञता प्रकट करने का महापर्व। हिंदू मान्यता के अनुसार 15 दिनों का श्राद्ध पर्व मनाया जाता है। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से अमावस्या तक पितरों को नमन कर श्राद्ध पर्व मनाए जाने की परंपरा है। तो श्राद्ध पक्ष में कैसे करें पितरों को नमन, कैसे करें उनका मुक्ति का मार्ग कैसे प्रशस्त करें और अपने लिए कैसे उनसे आशीर्वाद पाएं, इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मेहमान जुड़े हैं। उनसे मैं आपका परिचय करा देती हूँ। हमारे साथ है सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी, आध्यात्म और धर्म के जानकार हैं, और हमारे साथ स्टूडियो में है बब्बन सिंह जो ज्योतिषाचार्य हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है स्टूडियो में। सुरेंद्र बिहारी जी, आपसे सबसे पहले जानना चाहूंगी कि देवताओं से भी पहले पितरों को माना जाता है, हमारे पूर्वजों को नमन किया जाता है, उनसे भी पहले उन्हें प्रसन्न करना लाभकारी बताया गया है, हमारे शास्त्रों में इसका किस तरह से विधान है वो थोड़ा सा जानना चाहूंगी। शुक्रिया है। हमारे यहाँ की जितनी संस्कृति की है, अगर आप उनको ध्यान से देखें तो सबसे पहले सृष्टि को चतुर्मास में गुरु के अधीन सौंप दिया जाता है। गुरु पूर्णिमा पर्व के साथ संपूर्ण सृष्टि जो है गुरु अधीन हो जाती है। गुरु से ज्ञान मिलने के साथ ही प्रथम पूज्य गणपति की वंदना की जाती है। गणपति प्रथम पूज्य ही इसलिए हुए हैं कि उन्होंने अपने माता पिता की परिक्रमा की है। जब उन्होंने अपने माता पिता शिव और पार्वती की परिक्रमा की तो उसके तारतम्य में गणपति जो है देवों में श्रेष्ठ हो गए। अब जब गणपति का ये संदेश हमारी बुद्धि को जागृत करते हुए पहुंचता है तो फिर हम वेद की उस रक्षा को समझ जाते हैं जिसमें मात्र देवो भव और पितृ देवो भव की परिणति कही गई है। संसार आता है, संसार आसार है, स्वप्न है। संसार में जो यद दृष्टम तद नष्टम, संसार में जो भी व्यक्ति आया है वो संसार छोड़कर चला जाता है। संसार जाने की विधा को अध्यात्म में पुराणगत दो प्रकार से बताई गई है, एक कामनाओं के साथ, एक निष्कामनाओं के साथ। एक दक्षिणायन सूर्य के समय, एक उत्तरायण सूर्य के समय। जो निष्काम भाव से संसार छोड़कर चले जाते हैं वो लोग सूर्य की परिक्रमा करते हुए मुक्त हो जाते हैं, और जो कामना के साथ होते हैं वो दक्षिणायन में पारायण करते हैं और वो चंद्रलोक से होते हुए पितृलोक को जाते हैं। पितृलोक भी उसी प्रकार का एक लोक है जैसे मृत्युलोक होता है। हम ये देखते हैं जैसे यहाँ की दूरी और लंदन या अमेरिका की दूरी में अंतर है, समय चक्र हम ठीक करते हैं कि भैया 12 घंटा वो हमसे पीछे हैं या 4 घंटा वो हमसे आगे हैं। वैसे ही पितृलोक में 365 दिनों का एक दिन होता है। तो जब मनुष्य यहाँ से संसार छोड़कर पितृलोक में जाता है तो वो प्रत्येक दिन, क्योंकि उसके अंतर चक्र में कामनाएं हैं, वो मिलने के लिए आना चाहता है, देखना चाहता है कि मेरे बच्चे मुझे याद करते हैं, मेरे बच्चे मेरे बताए हुए कर्म को कर रहे हैं कि नहीं। तो जब पितृ हर दिन यहाँ आते हैं तो उनके 365 दिन बराबर हमारा ये पितृ पक्ष हमारे बीच आता है और तब हम श्रद्धा से उनको नमन करते हैं, उनका स्वागत करते हैं और उनको उनके बताए मार्ग पर चलने के अनुसरण करने का संकल्प। महत्वपूर्ण होते हैं, खास होते हैं अपने पितरों को नमन करने के लिए। बब्बन सिंह से हम जानना चाहेंगे, ज्योतिषाचार्य हैं, कैसी होती है आसमानी ग्रहों की चाल इस समय, सूर्य की गति किस तरह से होती है इन 15 दिनों में, क्या गणना होती है उसकी, वो थोड़ा सा समझना चाहूंगी। सूर्य जब कन्या की संक्रांति में होता है तब पितृपक्ष का आरंभ होता है और
संक्रांति से कुछ दिनों बाद तो सूर्य की कन्या से जो संबंध था और पृथ्वी पक्ष का माना गया और इस समय और वह अपनी पढ़ाई काम में होते सिवाय इसके हम देखते हैं कि कई बार जब सूर्य और शनि जब आपस में देखते या राहु के पास से एक तो कुछ भी कुछ लेकिन ग्रहों के साथ कोई ऐसा नहीं है कि पितृपक्ष में आकर तो ये जो अध्यात्म के क्षेत्र में अगर हम चले सूर्य जी आपसे जानना चाहूंगी कि ये 15 दिन जो आते हैं हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, पूरी श्रद्धा के साथ लोग तर्पण करते हैं, कौन कौन सी ऐसे स्थान है जहाँ पर ज्यादा इनको महत्व दिया जाता है और वो स्थान क्यों है? देखिए सबसे पहले तो आप एक तो स्पष्ट कर लें कि सबसे श्रेष्ठतम स्थान होता है आपका अंतर्चित्त मन जिसमें आपको श्रद्धा उत्पन्न करना है, केवल अपने पितरों के लिए, उन पितरों के लिए नहीं जो ब्रह्मलीन हो गए हैं, बल्कि इस समय इन 15 दिनों में अपने घर के माता पिता वयो वृद्ध संत इत्यादि बुजुर्ग वार की सेवा करना भी अत्यंत लाभकारी होता है, ग्रह गति से फलदायी होता है। इसके लिए प्रसिद्ध स्थान जो वर्णित है जहाँ भगवान राम ने भी पिंडदान किया है, जहाँ भगवान कृष्ण ने भी पिंडदान किया है, जहाँ भीष्म पितामह ने भी पिंडदान किया है, ऐसा पवित्र क्षेत्र जो है वो है गयासुर राक्षस के, गयासुर के जिसको कहना चाहिए छाती में बना हुआ तीर्थ। गयासुर नामक एक बड़ा भयंकर राक्षस हुआ था, उसका इतना विशाल शरीर था कि वो संसार के सारे भक्ष भक्ष को खाकर संसार को ग्रहण करना चाह रहा था, लेकिन वो परम धर्मावलंबी था। तब परमात्मा ने स्वयं उससे उसकी मृत्यु के लिए इच्छा प्राप्त की, परमात्मा के आदेश पर उसने अपना देह त्याग किया और इस परीक्षा से देह त्याग किया कि परमात्मा मेरे हृदय में अपने चरण रखें तो मैं अपने देह का त्याग करूंगा। आज भी परमात्मा के वो चरण गयासुर के उस हृदय में विद्यमान है और वो तीर्थ है गया तीर्थ। पितरों के लिए नहीं जा सकते हैं, उनके लिए क्या किया जाए? मैंने आपको गया नहीं जा, मैंने आपको ये बताया है। सबसे पहले तो एक बात समझ लें, बहुत सारे लोगों में ये भ्रांति है कि इसी समय पितृपक्ष के समय ही गया तीर्थ जाना चाहिए, इतनी भीड़ इतनी व्यवस्था वहाँ जुटती है, सारे लोग सोचते हैं अरे भाई हर दिन मन चंगा तो कठौती में गंगा, जीवन में जब समय मिले तब गया तीर्थ जाकर फाल्गु नदी में स्नान करें। लेकिन जो गया तीर्थ नहीं जा रहे हैं, आप ध्यान रखिए मना शुद्ध है न विद्यते, वो जिस जल को हाथ में स्पर्श कर रहे हैं वही गंगा है, जिस जल को अपने घर में स्पर्श कर रहे हैं वही फाल्गु नदी का जल है, जिस धरती को, आप ध्यान रखिए रामचंद्र जी जब अपने दशरथ जी का पिंड दान करने लगे तो दशरथ जी प्रत्यक्ष आ गए हाथ ऐसा फैला करके मुझे पिंड दान दो। देखिए हमारे विधान कितने सुंदर है, तब भगवान राम ने रुद्रपाद नामक तीर्थ में उनके हाथ में नहीं दिया पिंड दान, उस धरती पर रखते हुए कहा कि नहीं पिताश्री मैं तो ये पिंडदान इस स्थान पर करूंगा, उससे मुक्त हुए थे दशरथ। तो आप किसी भी धरती पर, चाहे वो घर की जमीन हो, चाहे वो नदी का किनारा हो, चाहे वो कहीं तीर्थ क्षेत्र हो, आप तो श्रद्धा से, क्योंकि साध पर्व यदि आपके अंतर चित्त में श्रद्धा नहीं आएगी तो परिपूर्ण होगा नहीं। आप अपने घर में प्रातः उठे, नित्य प्रति 15 दिनों तक अपने पितरों को तर्पण दें, नित्य प्रति 15 दिनों में ये आदत बना लें कि हम वर्ष भर और जीवन रहे तब तक अपने माता पिता का सम्मान करें। बिल्कुल, वर्ष भर अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। बबन जी आपसे जानना चाहूंगी कि कैसे करें ये तर्पण विधि, क्या होती है इसकी सही विधि, क्योंकि बहुत सारे लोगों को दुविधा होती है कि जो जिसने जैसा बता दिया वैसा कर लिया, लेकिन सही विधि उसकी क्या है और क्या क्या उसकी सामग्री हो सकती है? सही विधि जी, हमें पहले भी संकल्प करना चाहिए अपने जो भी माता पिता सबसे पहले, उसके बाद साथ से भी सबसे पहले और हम पहले भी जैसे इस बार तो 24 सितम्बर को हम एक कहीं पर अपने घर के आंगन बाहर पानी रखें
उसमें दूध मिला दे, शहद मिला दे और हाथ से कुशा के साथ कुशा की कुल्फी बनाकर जलाइली दे और जलाइली देने के बाद हम पितरों को कुंड दे। ये कुंड देने का काम जो है दोपहर में हुए पौने ग्यारह पौने बारह से बारह पैंतालीस के बीच में करना चाहिए सबको खुला। तो आप साढ़े ग्यारह से ढाई बजे तक नहीं कर सकते उसको समय दे और दे और उसके बाद लगातार समय दे आप उनको इलाज करें उस समय में और उसके बाद पंच कर्म करें उसमें आप जो भी खाद खाने के लिए बनाए उसके साथ के सुबह जो भी जानते हैं उनकी पसंद के सुबह जो बनाए हैं उनको पाँच दिनों के लिए आपको करना चाहिए निकालना चाहिए। इसमें सबसे पहले गाय के लिए हम करते हैं गाय को देते हैं जो भैंस को मजबूत होने से आती है उसके बाद हम कुत्ते को देते हैं कुत्ते भी रंग कलर का हो सकता है। उसके बाद तीसरे इसलिए हम कौवे के लिए क्योंकि इतने अधिक चीज हो तो बहुत अच्छी चीज है रोटी के साथ दे सकते हैं। चौथे हम चीटियों के लिए और कीड़े मकोड़े के लिए उनको दिन के आसपास रखा है। पांचवी चीज हम देवताओं के लिए जो हम अपने आंगन में ही निकालते हैं उसको हम बाहर में और भी बाहर में जाकर रखाते हैं। कुछ लोग मछलियों को भी खिला सकते हैं मछलियों को भी खिला सकते हैं इस तरह से प्रॉफिट है। लेकिन मेरा मानना है कि आज के लिए आज के समय हम लोगों को आप इसको विधि विधान से यदि आप नहीं कर पाते हैं तो आप केवल संकल्प लें और जो भी आपके घर में खाने वाला है उसको उस खाने आपकी ये संकल्पना पूरी होगी क्योंकि आपके खुश होंगे असल बात होती है पूर्वजों के लिए मन के भाव की। फिलहाल हम रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद हमारी चर्चा लगातार जारी रहेगी पितरों को नमन को लेकर। सरकार ने सख्त नियम और कानून बनाए और सुरक्षा के भी किए हैं इंतजाम, संजीवनी और सरोकार भी कुछ कम नहीं, लेकिन फिर भी कुछ दरिंदे कहाँ मानते हैं क्योंकि वो कोई अनजाना नहीं, ज्यादातर हमारे आसपास ही होता है। कभी दोस्त बनकर, कभी हमदर्द बनकर, कभी नाते रिश्तेदारों के शक्ल में, इसीलिए डर लगता है आज भी मुझे। मुझे भी, मुझे भी, मुझे भी और मुझे भी। लेकिन इन रहस्यों की अब खैर नहीं क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार ने पास किया है एक महत्वपूर्ण बिल। 12 साल या उससे कम उम्र की बच्चियों के साथ अगर करता है कोई दुष्कर्म तो है कड़ी सजा का प्रावधान। ये अपराध गैर जमानती है, इसमें हो सकती है 14 साल की कैद, उम्र कैद या फिर मध्य प्रदेश विधानसभा ने पहले एक कानून बनाया विधेयक पारित करके अगर कोई मासूम बिटिया के साथ दुराचार करेगा तो फांसी की सजा होनी चाहिए। मैं अपने प्रधानमंत्री जी को हृदय से धन्यवाद देता हूँ, भारत सरकार ने पूरे देश में ये कानून बना दिया। इंदौर की घटना इतनी हृदय विदारक थी, 3 महीने की बेटी जिसको दरिंदा उठा के ले गया था, वो दरिंदा रिश्तेदार था, मासूम बिटिया की दुराचार के बाद हत्या कर दी गई थी। आत्मा रोती है मन सकता है, लेकिन संतोष केवल इस बात का है कि महज 23 दिन के अंदर उस दरिंदे को फांसी की सजा सुना दी गई। वस्त्र हरण करने वाले या शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। सरकार के इस बड़े कदम से मेरी उम्मीदों को मिले सफल, मुझ में जगह है एक नया विश्वास। आज मैं खुद को और भी सुरक्षित महसूस करती हूँ। मैं भी बेटियों का जीवन किया आसान, देकर सुरक्षा और सम्मान, हमारी शान बेटियों की मुस्कान। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हमारा खास कार्यक्रम है पितरों को नमन, इसी पर हमारे साथ चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सुरेंद्र बिहारी जी, आपसे जानना चाहूंगी कि
पितृ पक्ष जो आते हैं उसमें बहुत सारी चीजें वर्जित की जाती हैं, वो भी हम जानेंगे, लेकिन अभी हम पहले ये जानेंगे आपसे कि कौन कौन होते हैं जिन जो पितरों को श्राद्ध और तर्पण कर सकते हैं, किनके लिए ये विधान बनाए गए हैं। देखिए, कर्मकांड की मर्यादाओं को बहुत सारे लोग गलत ढंग से परिभाषित कर देते हैं, तो उसके अंतर्गत में अलग अलग प्रकार का द्वेष उत्पन्न हो जाता है, भेद। आप जब पितृपक्ष पर पितरों को तर्पण देने बैठते हैं तो आप ध्यान रखिए, आप तर्पण किनको देते हैं, आप किन किन को याद करते हैं। अपने पूर्वजों को तो याद करते हैं, उसके अतिरिक्त पड़ोसी मित्र, उन कटे हुए पेड़ों को भी आप तर्पण देते हैं जो आपके हाथ से कट गए हैं, उन पशु पक्षियों को जो अनजाने में आपके साथ उनकी हिंसा हो गई है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी सदस्य परिवार का अपने पितरों को तर्पण देने के लिए सक्षम है। मुझे आप याद कर ये बताएं, माता और पिता को ध्यान करने में भेद कैसा है। संसार का प्रत्येक प्राणी अपने पूर्वजों को और पूर्वजों के अतिरिक्त जिनकी कोई संतान नहीं है, जो संतान संसार से गए हुए हैं, उनके रिश्तेदार उनको दे सकते हैं, उनके मित्र उनको दे सकते हैं, उनके पड़ोसी उनको दे सकते हैं। आप ध्यान रखिए, उस समय मंत्र कहता है विप्र, वहाँ बोलता है विप्र कि आपके अड़ोस पड़ोस में रहने वाले, आपके जानने वाले, आपके पहचानने वाले, आपको विदित आपको अविदित सबकी दिव्य आत्माओं को तर्पण देने का पर्व होता है। अर्थात जब आपका अंतर्चित्त शुद्ध हो जाता है तो सर्वभूत हितरता हो जाता है। आप ये देखिए, ये मूक प्राणी और पशु पक्षी को अन्न दान देने का विधान क्यों है। पितृपक्ष का सबसे अच्छा कर्म है कि दीन दुखी दरिद्र इनको जरूर आप भोजन कराएंगे, इनकी जरूर व्यवस्थाएं आप देखिए, घूम कर देखिए, किसी के पास वस्त्र ना हो, वो नीडी हो, वो जरूरतमंद है, तो उसे जरूर वस्त्र दीजिए, किसी भूखे को भोजन कराइए। आप ध्यान रखिए, केवल विप्र को भोजन करने का विधान इसलिए कि विप्र देव तत्व का प्रतीक है। अभी बता रहे थे बब्बन जी कि आप एक भाग देवताओं के लिए निकालते हैं, तो देवता यहाँ उपलब्ध नहीं है, देव प्रतीक विप्र जो है वेद का ज्ञाता होता है, इसलिए आप भोजन करा रहे हैं। तो आप ध्यान रखिए, संसार के जितने भी सच आपसे जानना चाहूंगी, धन के अभाव में कोई क्या करें। देखिए, तो उनके भी मैंने पूर्वज उनके भी हैं, मैंने अगर धन नहीं है कैसे भोजन। मैं आपको एक बात बताऊं, एक गरीब का बच्चा रो रहा था, एक महतारी कहीं काम करके लौटी थी और रोते हुए बच्चे की जिद थी कि मैं हलवा खा लूं। उसके घर में तो थोड़ा सा चावल रखा हुआ था, उसने बच्ची को लोरी सुनाई और लोरी सुनाते हुए कहने लगी, अच्छा तू समझ ले बेटा ये खीर खा रहा है, अच्छा तू ये समझ ले बेटा ये हलवा खा रहा है। देखिए, वहाँ बड़ा कारुणिक दृश्य उपस्थित था, लेकिन आप ध्यान रखिए, ये सारी प्रक्रियाएं मन की है। आपके मन में यदि श्रद्धा नहीं है और आप वास्तव में हलवा खिला रहे हैं तो वो हलवा किसी काम का नहीं है। किसने कहा कि आपके घर खीर पूड़ी और हलवा बनना चाहिए। यथा श्रद्धा श्रद्धा याग्नि समुद्धते, श्रद्धा हुई के हवि श्रद्धाम भगत समूर्धनी वत्सा व्यमती। ध्यान रखिए, दिव्य श्रृंगार किए हुए एक भद्र महिला चली आ रही है और आपके भाल पर तिलक लगाकर आपको जैसे ही भैया का संबोधन कहती है, आपके भाव उस महिला के प्रति दूसरे बढ़ते हैं। तो एक महिला के अलग अलग स्वरूप में अलग अलग भाव हैं, एक पुरुष के अलग अलग स्वरूप में अलग अलग भाव हैं। तो आप तो इन सारे विधानों से हटकर केवल प्रातः उठकर एक निवेदन और करना चाहूंगा, इस समय सबसे अच्छी श्राद्ध का पर्व का सबसे सुंदर काम है, प्रत्येक दिन खासकर इस समय के अवसर पर सवेरे उठकर अपने माता पिता यदि संसार में है तो उनको प्रणाम करो, और नहीं है तो माता पिता समेत सभी पूर्वजों को प्रणाम करें। हमारे वैदिक मंत्रों में पितृ देवताभ्यो नमो नमः कहते हैं या ओम अर्यमाय नमः, इस प्रकार के मंत्रों का जाप करके आप सब कुछ समर्पित कर सकते हैं, केवल मानसिक प्रक्रिया से। बिल्कुल मानसिक प्रक्रिया से हो सकता है। हमारे सामने जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो हमारे लोग हैं, माता पिता हैं या चाचा चाची दादा ताई ताया ताई जो भी हैं, उनका सम्मान हम करें, और उसके अलावा जो हमारे पूर्वज हैं वो भी पितृपक्ष में हमारे इस प्यार और सम्मान के लिए वो एक उम्मीद रखते हैं हमसे। आपसे जानना चाहूंगी कि तिथि के अनुसार होता है ये, जिसकी जैसी तिथि आ गई उसके हिसाब से, लेकिन अगर किसी की मृत्यु हुई है और तिथि ज्ञात नहीं है उसके लिए, तो वो लोग क्या कैसे करें, किस दिन करेंगे तर्पण? सवाल है, बहुत अच्छी बात आपने, अपने पितरों को इसलिए याद नहीं कर पाते कि वो कहते हैं हमें तो तिथि नहीं मालूम। आप एक बात ध्यान रखिए, इसका प्रथम दिन, इसकी जो अंतिम समय है जिसमें अपन सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या कहते हैं, पंचमी और नौमी,
ये ऐसी महत्वपूर्ण तिथियां हैं जिस तिथि पर आप श्रद्धा से पहले दिन सारे पितर उपस्थित हैं, ये मान लें आप, तो पहले दिन ही पितरों को आप तर्पण दे दीजिए। हमारे यहाँ सर्व पितृमोक्ष अमावस्या इसलिए कहा गया है कि भूले बिसरे तिथियों का ज्ञान आपका नहीं है, और जब वो समापन सत्र आ रहा है तो उस दिन आप प्रणाम करते हुए अपने पितरों को तर्पण दे दीजिए। पांचवा दिन जो है वो मातृ तीर्थ का होता है, तो जो मातृ भक्त होते हैं उनको पंचम दिवस जो है वो तर्पण अवश्य करना चाहिए। ये तो है भेद बुद्धि से, और अगर अध्यात्म से देखें तो जिस भी दिन आपने अपने पितर को स्मरण किया, क्योंकि ये 15 दिन का पर्व ही पितरों का है और प्रत्येक दिन प्रत्येक पितर का वास आपके घर में। बबन जी आपसे जानना चाहूंगी वंशावली का कितना महत्व होता है इस पितृ पक्ष में, क्योंकि आपने भी बताया 7 पीढ़ियां, हमने कहीं सुना है कि 3 पीढ़ियों तक के लोगों को मालूम होना चाहिए, लेकिन आज की जो युवा पीढ़ी है वो ये भी जानना चाहती है कि इस पिंड दान से, इस पिंड तर्पण से कैसे उनके पूर्वजों को तृप्ति मिल पाती होगी, थोड़ा सा ये समझना चाहूंगी आपसे। मानसिक प्रक्रिया आगे जो है ये इसलिए हम मानसिक प्रक्रिया है क्योंकि हम मानसिक रूप से लोगों को सभा प्रकट करते हैं, उनका साध क्या है सभा प्रकट करते हैं, हमको सभा प्रकट करना है, और ये इसमें पूरा का पूरा मानसिक है। यदि आप मन से यदि आप अपने पितरों को याद कर रहे हैं तो आप अपने पितरों को तृप्त कर सकते हैं। दूसरी चीज आपने पूछा कि इसका क्या महत्व है, मेरा सवाल ये था कि जो आज की युवा पीढ़ी है वो ये समझना चाहती, जानना चाहती है, जिज्ञासा है उनके मन में कि जो ये पिंड दान किया जाता है तो उससे कैसे उनके पितर जो है वो खुश हो सकते हैं। देखिए हम देखते हैं कि स्वाभाविक भाव से मेरा यही कहना है कि हम अपने बॉस को कैसे खुश करते हैं जी, अपने माता पिता को कैसे खुश करते हैं, अपने भाई बंधु को कैसे खुश करते हैं, अपने दोस्तों को कैसे खुश करते हैं, इसे वही प्रक्रिया हमको हम यदि आप आध्यात्मिक पक्ष से देखें तो यदि हम किसी के प्रति यदि अच्छा भाव रखते हैं तो ऐसे व्यक्ति के साथ हमारे संबंध बनते हैं, और ये हिंदू सनातन संस्कृति में एक महत्वपूर्ण है कि हमारी 84 लाख योनियां तो योनि बदलने से ऐसा नहीं है कि हम तो कहीं मुक्त हो जाते हैं, और जो अतिरिक्त आत्माए के रूप में इस समय कहा जाता है कि लोग क्या आते हैं वो उनको हम तृप्त करने के लिए प्रक्रिया करते हैं, तो यदि हम इस चीज को यदि उनको हम याद करेंगे मानसिक रूप से, यदि हम जीवन में कुछ अतृप्ति रह गई हमारी तरफ तो उनको इससे तृप्ति मिलेगी, और यदि ये तृप्ति मिलती है तो स्वाभाविक रूप से हमारे आस पास में प्रसन्नता है। कहा जाता है कि हमको पितृपक्ष में पितरों को इसलिए याद करना चाहिए जैसे संसार से कि यदि पितृपक्ष में यदि हम नहीं याद करते हैं हमारे पितरों मोक्ष की बात नहीं करते हैं और हमारे जीवन में अलग अलग तरह से परेशानी परेशानी है, जैसे हमारे जीवन में पुत्र नहीं होता है लिखित तो है तो पुत्र को उनको सुख नहीं होता है, इसी तरह से अलग अलग धन की कमी हो जाती है, अचानक हमारे जीवन में आकस्मिक उतार चढ़ाव होता है, हम नौकरी से निकाल दिए जाते हैं, तो भौतिक जीवन में जो कठिनाइयाँ होती है उसमें पितृ मोक्ष मामला जोर से देखा जाता है। तो यदि हम इसकी तृप्ति करते हैं युवाओं को ये समझना चाहिए कि हमको मानसिक रूप से उनको याद करना चाहिए, किस पक्ष में उनको याद करें, जैसे कि देखिए साल में एक आवन कथा है उन्हें नवजीवन पर स्टार्ट करता है, 14 मनवंतर तिथियाँ हैं, 12 अमावस्या तिथियाँ हैं, इस तरह की लगभग नवजीवन तिथियाँ हैं जिनमें हम आगे स्टार्ट करते हैं, लेकिन ये चार पक्ष में जो 14 रूप का जो समय है इसमें हम याद करते हैं उनको कहा गया है जी। चलते चलते सुरेंद्र जी आपसे एक और चीज जानना चाहूंगी जो बहुत जरूरी है, सावधानी क्या क्या रखनी चाहिए इन 15 दिनों में। देखिए ये आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है चलते चलते, और इस प्रश्न का बड़ा सुंदर समाधान है। जब आप कुछ शुचिता मन में लाना चाहते हैं, जब आप अपने मन को पवित्र रखना चाहते हैं, जब आप ईमानदार होना चाहते हैं, एक बोलचाल के शब्दों में कहें ईमानदार होना चाहते हैं, तो दुनिया के जितने भी विकार हैं यथावासम यथापुरा यथाक्षादिदेव ने यथापुंसो वृष्ण यथ स्त्रियाम ने अन्य मना, आप सबसे पहले नैतिक रूप से स्वस्थ हो जाइए, दूसरे नंबर में आप अपने चरित्र के प्रति सजग हो जाइए, तीसरे नंबर में आप अपने आहार को शुद्ध ग्रहण करिए, क्योंकि 15 दिन की ये तपस्या आपको जीवन भर वर्ष भर के लिए प्रेरित करते रहेगी। जितने सदोगुणी हो सकते क्रोध का त्याग कर दीजिए, आप बिल्कुल चिड़चिड़ाइए नहीं,
आप देखेंगे 15 दिन में यदि क्रोध को आपने राधे राधे कर दिया तो आपके जीवन में वैसे ही आनंद आ जाना है, क्योंकि आप वो सब आचरण करिए जिससे आपके माता पिता और घर में शांति का वातावरण हो सके, क्योंकि शांति से ही आनंद होगा, आनंद श्रद्धा से उत्पन्न होगा और श्रद्धा से ही सच्चा श्राद्ध आप कर पाएंगे। तो कैसे करें पितरों को नमन इन पितृ पक्ष में, इसी पर हमारी खास चर्चा थी पितरों को नमन। आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमसे इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बन नहीं रहे कोई भी आपके बिगड़े काम, रिश्तों में आ रही है उलझन, कर्ज से है परेशान, तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको। ये पितृ पक्ष में आपको आपके पूर्वजों का आशीर्वाद मिलने वाला है, बस श्रद्धा से उन्हें नमन कीजिए, उन्हें याद कीजिए, क्योंकि जो श्रद्धा से किया जाए वही होता है श्राद्ध। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और बने रहिए टीएनएन के साथ। नमस्कार।